वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी का जो प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है हिमोहिम, इसके बारे में। तो दोस्तों, एटोमी जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है और अभी 15 से 16 कंट्री में चल रही है और इंडिया में अभी लॉन्च होने जा रही है, ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है हिमोहिम, जो कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, यह हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यह प्रोडक्ट कैरी कोरियन एटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा रिसर्च करके बनाया गया है 4000 साइंटिस्ट और 1500 पीएचडी धारकों ने, ठीक है। तो हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है वो इनका पेटेंट प्रोडक्ट है, क्लासिफाइड प्रोडक्ट है, पूरा रिसर्च प्रोडक्ट है, जो कि इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो प्रोडक्ट क्या करता है, हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है ना हमारा, उसको बढ़ावा देता है ये इम्यून सिस्टम। इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे हम तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, जो पैथोजीन होते हैं, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनको यह डिस्ट्रॉय करता है। सच एज वायरसेस और बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, यह उनको एंटर करने से रोकता है। अगर वो एंटर कर भी गए तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हार्मफुल वायरसेस एंड बैक्टीरिया, इसमें काफ़ी क्षमता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है वो कैसे दिखाया गया है कि दे इंक्रीज द नंबर ऑफ इम्यूनोसाइट। जब हम हिमोहिम का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें ये इम्यूनोसाइट्स को इंक्रीज करते हैं और उनके जो फंक्शन है उनको बढ़ाते हैं, और दे हेल्प डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजिन, और ये जो हानिकारक पैथोजिन्स होते हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो भी सेल खराब हो चुकी हैं, डिस्टॉर्टेड सेल्स हैं, उनको रिड्यूस करते हैं और उनको रिपेयर करते हैं, और अनवांटेड इम्यून रिएक्शंस जो बनती है बॉडी में उसको ये रोकते हैं। एटोमी का जो हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है, यह फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो टीम है कोरियन एटोमिक रिसर्च सेंटर, उसने ये तैयार किया है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट और फंक्शनल बायो डिफेंस फूड ऑफ पीपल्स डीलिंग विद रेडिएशन, और इसके बाद इसको प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद इसके साथ रेडिएशंस का भी यूज़ किया गया है इसको पेटेंट करने के लिए। और इस प्रोडक्ट को जो कंपनी बना रही है उसका नाम कोलमार BNHCO लिमिटेड है, और ये जो एस्टेब्लिश हुई थी, ये जो फर्स्ट रिसर्च एंटरप्राइजेज हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वहाँ से ये अप्रूव्ड है ये कंपनी ऑलरेडी, और इन्होंने जो पास्ट इंडिविजुअल अप्रूव्ड टाइप एवोल्यूशन ऑफ MFDs जो, और इन्होंने जितने भी जो रिजल्ट्स हैं इसके वो सारे क्लियर कर रखे हैं एक पेटेंट प्रोडक्ट के रूप में, और इसके जो सेल्स है वो कमर्शलाइजेशन थ्रू दी एटोमी, और इसकी जो सेल्स है वो पेटेंट करने के बाद, इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद इसकी जो सेल्स है वो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और एटोमी का जो हिमोहिम का प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं तीन चीज़ें, इनका यूज़ हुआ है एंजेलिका जियास, लिंगस्टिकम साइनिस और पियोनिया लैक्टिफ्लोरा, ये कुछ फूल हैं, किसी प्रकार के फूल हैं जो कि कोरिया में पाए जाते हैं, वहाँ से इनका यूज़ करके इस प्रोडक्ट को पेटेंट किया गया है, इन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया गया है, इन जो फ्लावर्स देख रहे हैं इनका यूज़ किया गया है। हेमो इमेज न्यू सब्सटेंस एंड स्पेशल इम्यून फंक्शन दैट हैज़ बिन डेवलप फ्रॉम एंजेलिका जियास एंड शियानशियोंग एंड पियोनिया फ्लेक्टिफ्लोरा थ्रू बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग ओके एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी। सेफ्टी एंड फंक्शन हैज़ बिन प्रूवन थ्रू द क्लिनिकल टेस्ट, और इसके जो सेफ्टी और फंक्शन है वो काफ़ी क्लिनिकल टेस्ट होने जाने के बाद प्रूव हो चुके हैं, एंड इट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाई दी KFDA एज द वेरी फर्स्ट हेल्थ फंक्शन सप्लीमेंट असिस्टिंग फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के जो फंक्शन है उनको इन्हेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी बताया गया कि हमन टेस्टेड रिजल्ट ऑफ हिमोहिम, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में इन्होंने बता रखा। फर्स्ट है NK सेल विटेलिटी, इम्यूनोसाइट प्रोड्यूस इन द मैरो दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल, जो इम्यूनोसाइट्स होता है वो आपके जो बोन मैरो होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है और वो हार्मफुल सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, नंबर वन। नंबर टू इसने दिखाया रखा है इनहेंस साइटोकाइन प्रोडक्शन, आपके बॉडी में जो साइटोकाइन की जो बनने की है वो है उसको ये इंक्रीज करता है, जो भी ब्लड में साइटोकाइन बनता है उसको यू इंक्रीज करता है। सिंगल ट्रांसमिशन प्रोटीन दैट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द इम्यून सिस्टम, जो साइटोकाइन प्रोटीन है
वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। साइटोकाइन प्रोटीन उसको यह बढ़ाता है, इनहेंस इम्यूनिटी, मेंटेनिंग हेल्थ, इम्यूनोसाइट विटिलिटी, तो इंक्रीज बायो डिफेंसिस, ठीक है। और बायो डिफेंसिस का मतलब जो भी बैक्टीरियल वायरल डिजीज हम पे अटैक करते हैं, जो भी वायरसेस हैं उनको अपने शरीर में आने से रोकता है। एटोमी हीमोहिम का जो प्रोडक्ट है परफेक्ट है फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल फैटिग के लिए, हाउस वाइफ के लिए स्पेशली, और ऑफिशियल वर्क में जो ओवर टाइम काम करते हैं थकेंगे नहीं अगर इसको यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स का स्टेमिना के लिए और एनर्जी रिकवरी करने के लिए बॉडी में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हीमोहिम का जो प्रोडक्ट है काफ़ी पेटेंट प्रोडक्ट है, रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एटोमी इंटरनेशनल टीम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको एटोमी की तरफ से और एटोमी फैमिली की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।